हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द समरी ऑफ द चैप्टर द टाइगर इन द टनल रिटन बाय द वेरी इंडियन पोइट एंड राइटर रस्किन बॉन्ड। द टाइगर इन द टनल लेसन की शॉर्ट समरी में आपका स्वागत है। इस वीडियो के द्वारा हम इस लेसन की, इस चैप्टर की जो है जानकारी लेंगे। तो टनल का मतलब होता है सुरंग। ये कहानी है बलदेव नामक एक व्यक्ति की बहादुरी के बारे में। बलदेव जो है एक बहुत ही घने जंगल में बने एक छोटे से रेलवे स्टेशन पर काम किया करता था। उसका काम था रात को गुजरने वाली जो ट्रेन थी उसको जो है सही सलामत उस सुरंग से पार लगाना। उस सुरंग के पास एक सिग्नल था, रेलवे का सिग्नल था, और बलदेव की ड्यूटी थी कि उस सिग्नल को वो जलता हुआ रखे ताकि जो इंटरस्टेट मेल वहाँ से गुजरती थी वो बिना किसी खतरे के वहाँ से निकल जाए। तो ये रेलवे स्टेशन जंगल में होने की वजह से जहाँ पर अक्सर जंगली जानवर को देखा जाता था, और जो बलदेव था वो एक आदिवासी कबीले से संबंध रखता था, लेकिन उसके पास अपनी आय का, अपनी इनकम का कोई ख़ास सोर्स ना होने की वजह से वो रेलवे में जॉब करता था। तो एक रात को बलदेव और उसका 12 साल का लड़का जो टिंबू था वो रेलवे स्टेशन का जो यार्ड था वहाँ पर सोए हुए थे। तभी बलदेव को अपनी ड्यूटी, अपनी सिग्नल लैंप के बारे में याद आया कि उसने उसको देखने जाना है कि सिग्नल जल रहा है कि नहीं जल रहा, क्योंकि वो लेट नाइट मेल जो ट्रेन थी उसके आने का समय हो गया था। तो बलदेव उठ के जाने लगा तो उसके बेटे ने भी साथ जाने की ज़िद की, लेकिन बलदेव ने उसको मना कर दिया कि तुम यहाँ पे आराम करो, मैं जाकर आता हूँ। तो बलदेव जैसे ही उस गुफा की, उस सुरंग की ओर बढ़ा तो उसके मन में सवाल, ख्याल आ रहे थे जंगली जानवरों के बारे में, क्योंकि कुछ दिन पहले ही वहाँ पर जो है एक टाइगर को घूमते हुए देखा गया था। तो जैसे ही बलदेव उस नाइट ट्रेन के लिए जा रहा था तो उसके पास उसके पिता की दी गई एक कुल्हाड़ी मौजूद थी, एक्स मौजूद थी। उसको अपनी एक्स पर बहुत ज़्यादा भरोसा था कि अगर कोई जानवर उसका सामना हो भी गया तो वो अपनी उस कुल्हाड़ी से उसका सामना, मुकाबला जरूर करेगा। ये कुल्हाड़ी इतनी मजबूत थी कि एक बार एक रेलवे के ऑफिसर ने उसको अच्छी कीमत देके बलदेव से खरीदने की कोशिश भी की थी, लेकिन बलदेव ने उसे किसी भी कीमत पर बेचा नहीं था। तो बलदेव जैसे ही उस सिग्नल लैंप की तरफ बढ़ा तो उसने देखा कि उसमें से कुछ जो लाइट बाकी थी, तो बलदेव ने उसे अच्छे से लाइट को देखा, और जब वो वापस मुड़ा तो उसको अचानक से वहाँ पर एक आवाज़ सुनाई दी, और अचानक से उसको जो है एक बड़ी सी कोई चीज़ रेलवे लाइन पर जो है गिरने की आवाज़ आई। तो बलदेव को शोर हो गया कि टाइगर जो है उस टनल के पास जो है आ चुका है। तो बलदेव के पास अभी भागने का कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि वो जानता था कि वो टाइगर से, चीते से तेज जो है नहीं भाग सकता। तो उसने इंतज़ार करना शुरू किया और अपनी कुल्हाड़ी को जो है उसने हाथ में ले लिया। तभी अचानक टाइगर पूरा उसके सामने आके खड़ा हो गया। तो बलदेव ने भी दिलेरी दिखाई और वहाँ से भागा नहीं। तब टाइगर ने अपने पंजे से जो है बलदेव पर वार किया। बलदेव उस पंजे के वार से बचते हुए उसने अपनी कुल्हाड़ी जो है टाइगर की गर्दन के पास मार दी, तो कुल्हाड़ी उसकी गर्दन के जो पास जो है घुस गई। दूसरा वार फिर हुआ और इस बार जो है बलदेव भी उस वार से, टाइगर के पंजे से जख्मी हो गया, लेकिन बलदेव ने जो है फिर से वार किया और जो टाइगर था उसकी जो पैर की हड्डी थी उस कुल्हाड़ी से तोड़ दी, लेकिन इस बार जो है वो कुल्हाड़ी जो है टाइगर के पैर में ही घुस गई, वहाँ पर ही लगी रह गई। तो बलदेव अभी जो था वो बिना किसी हथियार के टाइगर के सामने था। तो इस बार जो है टाइगर ने आखिरी हमला जो है बलदेव पर किया और बलदेव को वहाँ पर उसने मार दिया।
तो टाइगर जख्मी था, वो वहाँ से हिल नहीं पा रहा था, तो वो रेलवे लाइन पर ही बैठ के अपने जख्म को जो है चाटने लग गया। लेकिन टाइगर को पता नहीं था कि वो लेट नाइट मेल जो ट्रेन थी वो वहाँ पर आने वाली थी। इससे पहले टाइगर को पता चलता वो ट्रेन उसके काफ़ी नज़दीक जो है आ गई थी। टाइगर ने वहाँ से भागने की कोशिश की, लेकिन वो जख्मी होने के कारण वहाँ से भाग नहीं पाया, वो ट्रेन से टकरा गया। ट्रेन वहाँ से बलदेव के स्टेशन से अच्छे से सही सलामत से गुजर गई और बड़े शहर के स्टेशन पर जाकर रुकी। तो ड्राइवर को किसी ने बताया कि जो ट्रेन के इंजन के सामने कुछ फंसा हुआ है, तो लोगों ने जाके चेक किया। वहाँ पे जो आसपास लोग थे उन्होंने जाके चेक किया, तो वो जो टाइगर था वो दो हिस्सों में कटकर ट्रेन के आगे वाले हिस्से पे चिपका हुआ था। तो बलदेव की मौत से जो उसके घर वालों को दुख तो बहुत हुआ, लेकिन अगले ही दिन बलदेव का जो 12 साल का लड़का था टिम्बू, अपने पिता की कुल्हाड़ी लेके, बलदेव की कुल्हाड़ी लेके, वो कुछ दिन बाद ही वहाँ पर ड्यूटी देने के लिए पहुँच गया, क्योंकि उस पे जो अपने पिता की जिम्मेदारी थी परिवार चलाने की वो आ चुकी थी। तो उसके पास जो है अभी वो जॉब करने के अलावा कोई चारा नहीं था, तो उसने भी अपने पिता जैसे बहादुरी दिखाते हुए, अपने पिता का दुख दिल में लिए हुए, दोबारा से ज्वाइन जो है ड्यूटी अपनी कर ली। तो ये थी स्टोरी टाइगर इन द टनल। अगर आपको समरी पसंद हुई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए इस चैनल को। धन्यवाद।